हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आलसी तोते। एक घने जंगल में एक पीपल के पेड़ पर एक तोतों का झुंड रहता था। शिकारी कभी उन्हें पकड़ता तो कभी उनके बच्चे ले जाता। इसलिए एक दिन उन्होंने दूसरी जगह जाने का फैसला किया। उन्होंने दूर एक ताड़ का पेड़ खोज लिया। ये पेड़ बहुत ऊंचा होने के कारण शिकारी का उस पर चढ़ना मुश्किल था। झुंड के मुखिया ने सभी तोतों को घोंसले बनाने का काम शुरू करने के लिए कहा। सभी तोते नई जगह को देखकर बहुत खुश हुए और खुशी के मारे चहकने लगे। लेकिन मुखिया सावधान था और अब भी उस नई जगह की जांच कर रहा था। अचानक उसने उस पेड़ के पास एक छोटी लता को देखा। उसने सभी तोतों को नीचे बुलाया। जल्दी नीचे आओ, इस पेड़ के पास जो लता है उसे अभी निकालना होगा। सारे तोते घोंसलों में आराम कर रहे थे। वो अपने घोंसलों से ही नीचे उगी उस लता को देखने लगे और कहने लगे, मुखिया जी आप यूं ही चिंता कर रहे हो, ये छोटी सी लता हमारा क्या बिगाड़ेगी। मुखिया उनको उस लता को निकालने की आवश्यकता समझाने लगा। आज ये लता नाजुक है, उसे निकालना आसान है, लेकिन वो हमेशा इतनी ही नहीं रहेगी। कुछ दिन बाद वो बड़ी सख्त रस्सी की तरह बन जाएगी, इसे अभी निकालना होगा। आगे जाकर ये शिकारियों का पेड़ पर चढ़ने का साधन बन जाएगी, वो आसानी से घोंसलों तक पहुँचेंगे और अनर्थ हो जाएगा। सारे तोते आराम से घोंसलों में बैठे थे। वो अपने मनोरंजन में रुकावट नहीं चाहते थे। मुखिया की बात वो रोज अगले दिन पर टालते रहे। टालते टालते तोतों ने उस लता को बढ़ने दिया। कुछ दिनों बाद लता बढ़कर मजबूत बन गई। अब तोतों ने उसे निकालने की कोशिश की, पर वो उसे नहीं निकाल पाए। एक दिन जैसा मुखिया ने कहा वैसा ही हुआ। एक शिकारी वहां आया। उसने उस मजबूत लता को देखा। उस लता की सहायता से वो बहुत आसानी से पेड़ पर चढ़ गया। पूरे झुंड की आंखों के सामने वो उनके घोंसलों से सारे बच्चों को निकालकर ले गया। सारे तोते सिर्फ देखते रह गए और कुछ नहीं कर पाए। इस घटना के बाद सारे तोते वो पेड़ छोड़कर चले गए। अपने मुखिया की बात न मानने पर वो बहुत पछताने लगे, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है।